मज़हर अब्बास साहब, ठीक है, एक टाइम था पाकिस्तान के साथ बहुत से एक कहले परसेप्शन की जाती थी मंसूब, खास तौर पर मगरबी ममालिक में, और फॉर सम रीजंस। तो अगर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज आगे लेके जाया जाता है, जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले भी कहा और उजागर किया जाता है कि हम कितनी अमन पसंद कौम है, यहाँ के लोग कितने मिलनसार हैं, फिर हमारी अच्छी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, लेट्स से ननकाना साहब और हमारी बाकी चीज़ें, तो टूरिज्म, तो क्या कबाहत है इसमें? क्या ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है? हम मुनाफ़त में खुद कफील हैं। हम कहते तो वज़ीर आज़म ये हैं कि सॉफ्ट इमेज जो है हमें बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आपका सॉफ्ट इमेज ऊपर जाता है, जा सकता है। खेल सबसे बड़ी चीज़ है, स्पोर्ट्स। खुद वज़ीर आज़म स्पोर्ट्समैन रहे हैं, लेकिन लेकिन जब जब वज़ीर आज़म इस मुल्क की पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को चोर, डाकू, पता नहीं लुटेरा क्या क्या कहेंगे, और उसके जवाब में ऑपोजिशन जो है वो माशाल्लाह क्या क्या जबान इस्तेमाल करेगी दूसरों के बारे में, तो ये क्या खबर नहीं जाएगी बाहर? जब बाहर खड़े होके वजीर आजम इस तरह की तकारीर करेंगे, सॉफ्ट इमेज कैसे आएगा पाकिस्तान का? उन्होंने कहाँ पोर्ट्रे किया पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज? उन्होंने कहाँ पोर्ट्रे किया कि पाकिस्तान पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहुत से ममालिक से ज्यादा बेहतर है? आपने देखा है कि जापान की पार्लियामेंट में क्या होता है और पार्लियामेंट्स में क्या होता है? लोगों को उठा उठा के बाहर फेंका जाता है। पाकिस्तान में देखा है आपने, पार्लियामेंट में एक दूसरे पे तकरीर जरूर करते हैं, शोर जरूर करते हैं, लेकिन कभी उस तरह की हाथापाई देखी है पाकिस्तान में? रेयरली कभी एक आध वाक्या हो गया तो हो गया। टॉलरेंस, मीडिया, जी पूरी इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तान का वाहिद वाइब्रेंट मीडिया है, पूरी इस्लामिक कंट्री में दावे से कह सकता हूं। पाकिस्तान में जी जर्नलिस्टों ने जो स्ट्रगल की है, दुनिया में कोई भी जर्नलिस्ट कोई भी अब उठा के देख लें, जहां सख्त से सख्त, हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी तो सहाफियों की हिम्मत नहीं हुई बाहर ठीक है, निकलने की। तो सॉफ्ट इमेज आप महमल लीड करें सॉफ्ट इमेज को, ठीक, आप पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को लीड करें अच्छा, ना। जब आप जो जबान इस्तेमाल करेंगे, जो लैंग्वेज इस्तेमाल ठीक है, करेंगे, एनवायरनमेंट की बात जी है, क्लाइमेट की बात जी है, क्लाइमेट जी क्लाइमेट जो बनाए ना, आपको किसने रोका है? चीजों को बेहतर किया जाएगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मीडिया उससे सरफे नजर सर, करे? वैसे सर, वैसे बिल्कुल आप जो बातें उस कुछ कह रहे हैं, आपकी बातों का एहतराम, लेकिन सर कुछ चीज़ों में तो काफ़ी उजागर किया भी है। फॉर एग्जांपल अभी आपने क्लाइमेट चेंज कहा, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या जनरली क्लाइमेट पे तो बात होती रही है।